गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में एमएससी फाइनल की क्लास में प्लांट प्रोटेक्शन का टॉपिक है, हमने पिछली क्लास में ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक मेथड पढ़े थे। अब हम एग्रो टेक्निकल मेथड्स पढ़ेंगे। एग्रो टेक्निकल, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस व्हाट आर द टेक्निक्स वी यूज टू प्रोटेक्ट अवर प्लांट्स, वो वाले सारे मेथड्स इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है, सबसे पहले इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग सीड्स शुड बी क्लियर्ड फ्रॉम वीट सीड्स एंड पेस्ट दैट डेवलप इनसाइड इट। हम कोई भी सीड लेते हैं ग्रो करने से पहले, सो करने से पहले, तो हमें उसे वीड के सीड्स से अलग करना होगा और पेस्ट से। पेस्ट भी कई बार सीड्स के अंदर होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। हम वेरियस टेस्ट के द्वारा हम चेक करते हैं कि उसमें पेस्ट है या नहीं और फिर उसको हम रिमूव करते हैं। तो हमें सीड को प्रॉपरली क्लियर करना है वीड के सीड से और पेस्ट जो कि इनसाइड में होते हैं उनका प्रॉपरली टेस्ट करके, चेक करके, क्लीन करके और हमें सीड्स लेने होते हैं कि उसमें एरगट तो नहीं है, एरगट इन्फेक्शन तो नहीं है, स्मट इन्फेक्शन यानी स्मट स्पोर का इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर इसके बाद हमने जो सीड लिए हैं वो उन्हें प्रॉपर स्टोरेज किया गया था या नहीं, तो उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। ये नहीं कि आसपास कोई इन्फेक्शन है और हमने फिर वो सीड ले लिया इन स्पाइट ऑफ चेकिंग इट ऑल्सो। एंड यूज ऑफ मैन्योर, प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर मैन्योर, प्रॉपर कलेक्टिंग, प्रॉपर क्लियरिंग, प्रॉपर क्लीनिंग। फिर उसमें कंसंट्रेटेड फीड बिफोर फीडिंग शुड बी ग्राउंड और स्टीम्ड, मतलब कि हम उसे जो है प्रॉपरली स्टीम्ड करते हैं। और वीड अगर मान लीजिए उसके आसपास, मतलब जिस फील्ड में हम सो करने वाले हैं उस फील्ड में आसपास वीड है, तो वीड को प्रॉपरली रिमूव करना, उसे डिस्ट्रॉय करना और ऐसी जगह रखना जहां पे भी वो ग्रोथ ना कर सके। और ये उस समय स्पेशली ध्यान रखना होता है जब उसमें प्लांट में या क्रॉप प्लांट या जो भी फील्ड है उस फील्ड में जो भी ग्रो हो रहा है उसका फ्लावरिंग पीरियड के समय। तो हमें जो है मतलब कि उसके फील्ड के चारों तरफ, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के चारों तरफ हमें जो है रिमूव करना है। इट इज द यूजुअली इट इज द कर्ब द एजेस, कर्ब द एजेस मींस डिस्ट्रॉय उसके चारों, फील्ड के चारों तरफ जो वीड्स है उसे डिस्ट्रॉय करना, उसे रिमूव करना। तो हमें इन सब जो है क्रॉप प्रैक्टिसेस के दौरान हमें ध्यान रखना होता है। इट इज नेसेसरी टू एडहेयर टू द ऑप्टिमल टाइमिंग्स एंड नॉर्म्स ऑफ सोइंग सीड। हमें बहुत प्रॉपर टाइमिंग्स का ध्यान रखना है कि हमें कब सो करना है और सीड के जो नॉर्म्स होते हैं ग्रोइंग के, उन सब का भी हमें प्रॉपरली उस पर ही एडहेयर रहना है। मतलब हमें उन सबको ध्यान में रख के जो है ग्रो करना है, सो करना है सीड को, उसे क्रॉप को प्रॉपरली, टाइमली, एफिशिएंटली, मैनरली क्लीन करना है। द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल क्रॉप प्रोटेक्शन टू कंट्रोल डिजीजेस, फंगल, वायरस, बैक्टीरियल, पेस्ट में इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, वीड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ यू in use of cultural practices, biological control, pesticides, host resistance, including plant breeding. तो हमने जो protection के दौरान हम जो cultural practices करते हैं वो हमने IPM में पढ़ा है, biological control है तो वो भी हमने IPM में पढ़ा है, pesticides का control, biopesticides का use, इन सब का हमने जो है सभी पूरा IPM में पढ़ा है। तो प्लांट प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस में
जो है प्लोइंग है, होइंग है, बेसिन प्रिपरेशन है, हैंड पिकिंग ऑफ पेस्ट है। प्लोइंग मींस जिससे कि प्रॉपर एरिएशन होता है, और जो पेस्ट होता है वो पेस्ट भी जो है बाहर आता है उसे हम रिमूव करते हैं हैंड पिकिंग के द्वारा। होइंग, बेसिन प्रिपरेशन, सॉयल का प्रिपरेशन है तो उसमें हम जो है नीचे से काफी जो है मैनुअली भी किया जाता है इसे, और बाय टूल्स भी हम जो है सॉइल का वो करते हैं, नीचे से सॉइल को ऊपर लेते हैं, तो जिससे कि वो नीचे जो कोई भी पेस्ट है या कोई भी एग वगैरह है जो सॉइल के नीचे, तो फेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे ही वो ऊपर आता है या हीटिंग होती है तो उससे वो डिस्ट्रॉय होता है। तो इससे इस प्लोइंग के द्वारा हम एरिएशन करते हैं सॉइल के अंदर प्रॉपर, और थोड़े बहुत जो पेस्ट के रेजिड्यूज रह जाते हैं या प्लांट के रेजिड्यूज रह जाते हैं वो भी हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हम जो है काउ डंग, क्ले मिक्सचर्स का यूज करना, फ्रूट ट्रीज जो होते हैं उनकी प्रूनिंग करना जिससे कि मेन शूट की ग्रोथ रुके और लेटरल ग्रोथ हो, यूज ऑफ वुड ऐश ऑन एंड अराउंड वेजिटेबल क्रॉप्स। मतलब वुड ऐश से क्या होता है, बहुत सारे पेस्ट, बहुत सारे जो और इन्फेक्शन होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम जो मान लीजिए कोई पेस्ट का अटैक है तो हम ड्रम्स को बीट करते हैं, यूज ऑफ डोमेस्टिक डॉब फॉर कम्बैटिंग द मेलेंस ऑफ बर्ड्स एंड मंकीज। मतलब कि हम जो है डॉग बार्किंग से भी जो है बर्ड्स को, इनको रिमूव हटाने की कोशिश करते हैं, ड्रम से हम पेस्ट को हटाने की कोशिश करते हैं। अभी भी जैसे टिड्डियों का अटैक हुआ था तो बहुत हमने आग भी जलाई थी, बहुत ज्यादा हीट भी देने की कोशिश की थी, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग भी करी थी, ड्रम बीटिंग भी करी थी, स्ट्रॉन्ग ड्रम बीटिंग से भी जो है वो उनका जो है प्रॉपर उसमें ब्रीडिंग प्रॉपर स्टे नहीं हो पाता पेस्ट का। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में प्लोइंग, होइंग बेसिक इन्फ्लुएंस डायरेक्टली द सर्वाइवल ऑफ सॉयल इनहेबिटिंग पेस्ट। दीज रूटीन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और वी कैन से प्रैक्टिसेस एक्सपोज सॉयल इनहेबिटिंग इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स एंड नेमेटोड टू हार्श वेदर एंड टू नेचुरल प्रेडेटर्स। हम जब इसमें प्लोइंग और होइंग करते हैं तो जो इसमें सॉयल के अंदर जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं वो ऊपर आते हैं, और ऊपर आने से जो नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं वो उन्हें खा जाते हैं, जिससे कि हम सॉयल के अंदर जो इनहेबिटिंग इंसेक्ट्स होते हैं या पेस्ट होते हैं या उनके एग्स होते हैं या फिर स्पोर्स होते हैं, तो उनको हम इस तरीके से एक नेचुरल जो हमारे एंशियंट टाइम से प्रैक्टिसेस चलती आ रही है तो उसके द्वारा हम सॉयल को क्लीन करते हैं, पेस्ट फ्री करने की कोशिश करते हैं। इंसेक्ट्स आर मोस्ट वल्नरेबल व्हेन इन प्यूपल स्टेज। प्यूपल स्टेज में बहुत वल्नरेबल होता है, मींस उस दौरान इंसेक्ट बहुत ज्यादा फूड या न्यूट्रिएंट प्लांट से लेता है। तो इस स्टेज में हम जो है मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सके बाय रिमूविंग दीज प्यूपा। बर्ड्स लाइक द किंग क्रॉ, माइना, द स्टारलिंग पिक अप द एक्सपोज प्यूपा फॉलोइंग दीज कल्चरल ऑपरेशन। जब हम प्लोइंग करते हैं, होइंग करते हैं, तो नीचे की सॉइल जब ऊपर आती है तो वो जो है नेचुरल प्रेडेटर्स के द्वारा जो है ईट कर ली जाती है, और इन दिस वे वी आर मेकिंग द सॉइल फ्री फ्रॉम पेस्ट और अदर एनी पेस्ट रेजिड्यूस। कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम जो है सॉइल प्रिपरेशन जो अभी मैंने बताया ही है, फिर ये कुछ हम ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे कटवॉर्म्स हैं, ग्रब्स ऑफ द रूट बोरर है, वाइट ग्रब्स विच फीड ऑन रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स एंड ऑल्सो एक्सपोज टू द वेजरीज ऑफ द एलिमेंट्स ड्यूरिंग बेसिंग प्रिपरेशन एंड होइंग। तो इसके द्वारा हम जो है भाई ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट फीड कर सके। डी फ्लोइंग जो होती है वो कई बार जो है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ओवर विंटरिंग पॉपुलेशन ऑफ सेवरल पेस्ट। डीप प्लोइंग से और ज्यादा जो है
पेस्ट के पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, वीड्स को कंट्रोल करते हैं, पेस्ट को डिसलॉज करते हैं उसके नेचुरल प्रोटेक्टिव हैबिटेट से हटा के उसे हम ऐसे कंडीशंस में करते हैं जिससे कि वो रिमूव हो सके। टू इम्प्रूव एरिएशन ऑफ द सॉयल एंड फैसिलिट प्रॉपर परकुलेशन ऑफ वाटर इन द सॉयल। जब हम प्लोइंग करते हैं तो थोड़ी सी सॉयल लूज होती है और उसके द्वारा वाटर का परकुलेशन इजी हो जाता है। हैंड पिकिंग ऑफ पेस्ट, कई बार हमें ऐसे एकदम से पेस्ट दिखाई दे जाते हैं तो हम पेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। प्यूपल स्टेज जो होती है वो बहुत हार्मफुल इसलिए होती है क्योंकि प्यूपल स्टेज बहुत ज्यादा प्लांट को ईट करती है। हैंड पिकिंग मैंने अभी बताई थी आपको, फिर इससे ह्यूमन हेयर से लाइस को हटाना, क्लोथ एंड इवन एनिमल्स टू बी मैनुअल सेपरेशन ऑफ पेस्ट फ्रॉम स्टोर्ड ग्रेन। दिस मेथड कैन प्रूव इफेक्टिव इन कर्टेनिंग पेस्टिसाइड्स ऑन सम क्रॉप्स। इंसेक्ट विच ले एग्स इन कॉन्स्पिकियस एंड इजिली एलिमिनेटेड मासेस, एग्जाम्पल टोबैको, कैटरपिलर, जिप्सी मॉथ कैन बी इजिली एलिमिनेटेड। ईच लार्वा, अर्ली लार्वा ऑफ सच इंसेक्ट ऑफन फीड इन कॉन्ग्रीगेशन एंड लेटर डिस्पर्स ऑन द एंटायर प्लांट ट्री एंड इन द फील्ड मेकिंग कंट्रोल। तो हम लार्वा को जो है अर्ली लार्वा ऑफ सच इंसेक्ट्स ऑफन फीड इन कॉन्ग्रीगेशन, मतलब कि हम जो है उन लार्वास को प्लांट से हटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लार्वा जो है बहुत ज्यादा ईट करते हैं प्लांट को और बहुत ज्यादा प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम उनको जो है डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं कि लार्वल स्टेज में ही डिस्पर्स हम इंसेक्ट को कर सके। हैंड पिकिंग से जो है डिमांड, अलर्टनेस, पेशेंस, कीन ऑब्जर्वेशन बढ़ता है और हम जो है जो कलेक्टेड पेस्ट होता है उसको हम ऐसी जगह एमर्सिंग देम इन द कैरोनाइज्ड वाटर आर डीप बारिंग। नेचुरल इंसेक्ट रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू लाइट, एग्जांपल डिफोलेटिंग मेटल्स, जो नेचुरल नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट के पर कुछ जो है उन पर बहुत ज्यादा हैवी इफेक्ट डालते हैं। काउ डंग क्ले मिक्सचर, ये चीज तो आप बहुत समय से करते जा रहे हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग ए थिन पेस्ट मेड ऑफ काउ डंग क्ले, काउ डंग एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड द फ्लोर ऑफ मड हाउसेस इन रूरल एरिया इन एन एज ओल्ड प्रैक्टिसेस। ये सारी ओल्ड प्रैक्टिसेस है पर दे आर वेरी यूजफुल क्योंकि पेस्ट से जो है मैग्निफिकेशन होता है। अगर हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं तो जैसे वो हायर ट्रॉफिक लेवल में जाता है तो बहुत नुकसान पहुंचाता है और हायर लेवल पहुंचता है, प्लांट में नहीं होता उससे हायर लेवल हम पहुंचता है। इसमें जो है डिग्रेडिंग सब्सटेंस होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये सारे जो है दीज आर द कल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर प्लांट में किसी पेस्ट से वुंड हो गया है, कट हो गया है तो उसको हमें जो है सीलिंग कर देनी चाहिए। टू सम एक्सटेंट द ऑलरेडी प्रेजेंट पैथोजन इज आल्सो डील्ड बाय यूजिंग द अप्लाइड पेस्ट। प्रून एंड्स ऑफ ट्विग्स कट्स आर आल्सो फेवरेबल स्पॉट्स फॉर सेटलमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वूली एफिड्स ऑन एप्पल ट्री। एप्पल ट्री में भी हम जो है इस तरीके से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके और हम जो है इनको रिमूव करते हैं एप्पल ट्री से, एप्पल एफिड्स से, एंड कवरिंग सच साइट्स विद काउडंग पेस्ट हास्टन हीलिंग एंड प्रिवेंट एफिड सेटलमेंट।
हम अगर जहां पे भी वो ग्रो कर रहा है कोई भी ट्री, उसके ऊपर जो है ग्राउंड पेस्ट डालते हैं, तो उससे वो प्रिवेंट या हीलिंग करता है एफिड का सेटलमेंट में. एंड दीज आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमिंग ऑफ कैंकर्ड लिम्स ऑफ ट्री. जो कैंकर्ड लीफ होती है उसको हटाना और उसको वो करना बहुत ही इसमें न्यू ग्रोथ को या प्लांट जो है हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर होते हैं. तो एक प्रूनिंग है, प्रूनिंग हेल्प्स पेस्ट कंट्रोल एज इट रिलीजेस ओवर विंटरिंग पॉपुलेशन, इम्प्रूव्स जनरल ग्रोथ हेल्थ ऑफ प्लांट एंड ट्रीज इन मेंटेनिंग अ बैलेंस फॉर योर डिस्ट्रक्शन विद प्रॉपर एरिएशन एंड सनलाइट पेनिट्रेशन. तो ये डिफरेंट जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं. नेचुरल हेजेस एंड इंडिजिनस श्रब्स अट्रैक्ट नेचुरल एनिमीज, कंपेनियन प्लांट अट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइड नेचुरल फूड फॉर पेस्ट. तो इस तरीके से फ्लावर स्ट्रिप प्रोवाइड फूड फॉर नेचुरल एनिमी. कई बार हम साइड में ये इस तरीके से ले करें जिससे कि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो है सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हम फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में.